नमस्कार दोस्तों, IIFL मार्केट्स के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं श्वेता पापरीवाल और आज हमारे साथ मिस्टर एचपी सिंह है, चेयरमैन एंड एमडी सैटिन क्रेडिट केयर नेटवर्क लिमिटेड। वेलकम मिस्टर सिंह, आपको अपने प्लेटफॉर्म पे पाके आज काफी खुशी का एहसास हो रहा है हमें। थैंक यू, थैंक यू सर। तो आपने अभी रिसेंटली अपना Q1 रिजल्ट डिक्लेयर किया, जो कि इस फाइनेंशियल नए फाइनेंशियल ईयर का पहला क्वार्टर था। तो अगर आप हमें थोड़ा सा कंपनी के परफॉर्मेंस के बारे में बताएंगे, Q1 में कैसा रहा, गिवन कि हमने कोविड का सेकेंड वेव भी उसी दौरान था। तो जून क्वार्टर का जो रिजल्ट था वो टिपिकली काफी मतलब इट वॉज नॉट दैट ग्रेट, यू नो, जिस तरीके से होना चाहिए था, बिकॉज बहुत सारी स्टेट्स में लॉकडाउन और रिस्ट्रिक्शन थे, जिसकी वजह से डिसबर्समेंट बिल्कुल नहीं हो पाया, बिकॉज ऑल दी बिजनेसेस वर प्रैक्टिकली शट। और साथ में जो कलेक्शन एफिशिएंसी थी, कलेक्शन एफिशिएंसी भी काफी नीचे गई थी बिकॉज ऑफ अगेन लॉकडाउन और जो रिस्ट्रिक्शन थी। साथ में क्या था कि हमारा स्टाफ भी जो फील्ड का है वो भी काफी इन्फेक्टेड था, काफी लोग इन्फेक्ट हुए। सो ओवरऑल जो 3 महीने जो इस क्वार्टर के थे, वो तीनों महीने प्रैक्टिकली मान के चलिए दे वर कंप्लीटली वाइप्ड आउट। Right. उसकी वजह से जो हमारे को जो कलेक्शन एफिशिएंसी नॉर्मली जो मार्च में हमारी 105% टच करी थी, दैट हैड डिप डाउन टू अबाउट 84%। डिसबर्समेंट डिड नॉट हैपन, बिल्कुल ही नहीं डिसबर्समेंट हो पाई है। रिजल्टेंट क्या हुआ कि हमारे को प्रोविजनिंग काफी सारी लेनी पड़ी है, बट हमारे जो GNPA तकरीबन 9.7% के आसपास है। सो वी क्लोज द क्वार्टर विद अ पैट लॉस ऑफ अबाउट 81 करोड़, यू नो, कंसोलिडेटेड। What has happened after that is much better कि जून क्वार्टर के बाद में चीजें जब खुलनी शुरू हुई है, now it is getting better and better and hopefully I think, you know, things will start getting better now. Right. तो सर, जैसे आपने बताया कि कोविड के कारण, सेकेंड वेव के कारण स्पेशली थोड़ा सा डिप हुआ, और आपने बताया कि जून के बाद ये जो जुलाई का जो महीना आया वो बेटर रहा है कंपनी के लिए, तो आपका ओवरऑल बिजनेस के लिए आउटलुक कैसा है? क्या आप अपने कलेक्शन एफिशिएंसी में इम्प्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं, और डिस्बर्सल्स के प्रति आपका अप्रोच कैसा रहेगा आने वाले समय में? तो जैसे मैंने जून का बताया कि इट वॉज अराउंड 85%, जैसे ही जुलाई लॉकडाउन खुला और रिस्ट्रिक्शंस खुली हैं, हमारा जो कलेक्शन एफिशिएंसी है वो 84 से बढ़कर सीधा ही 88% के आसपास आ गया। अगस्त अगर हम बताएं तो अगस्त स्टार्टिंग में ही वी आर टचिंग एन कलेक्शन एफिशिएंसी ऑफ 92%। ओके, जो हमारा प्री कोविड लेवल से विच वॉज क्लोज टू अबाउट, यू नो, जैसे मार्च में हमने 105% किया, बट मैं उसको भी नहीं मानता कि उसमें ओवरड्यूज हमने रिकवर किए हैं, बट अगर नॉर्मलसी में देखेंगे तो 99-98% हमारा कलेक्शन एफिशिएंसी आता है, which we feel I think we will be able to achieve it by September. Okay. August mein we are at about 1992. Our own sense is ki in the next 20-25 din hum jab September mein ghusenge to hamare ko practically 96-97% ki collection efficiency aa sakti hai. Plus jo disbursement humne pure quarter mein 222 crore ka disbursement kiya tha June quarter ka, humne July mein takriban 240 crore ka humne disbursement kiya hai, और उस को देखते हुए आई थिंक अगस्त एंड सितंबर विल अगेन वी हैव अ हायर डिसबर्समेंट, बट सितंबर से आई थिंक अगर पूरी देखा जाए तो वी आर बैक टू व्हाट टेक्निकली वी कॉल इट द प्री कोविड लेवल्स पे हम सितंबर तक पहुंच जाएंगे। राइट सर, तो आपने कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर रखा है कि अगर कभी कोई थर्ड वेव आया, लाइक एनी विच वेज वैक्सीन चल रही है, पीपल आर लाइक वैक्सीनेटेड एंड ऑल, बट इन केस इफ देयर इज अ पैंडेमिक थर्ड वेव, तो हाउ इज द कंपनी प्रिपेयर्ड टू डील विद इट? See, a couple of things which are very important, जो है प्रोविजनिंग हमने करनी थी, हमने प्रोविजनिंग काफी सारी कर दी है। सो हमारे अगर देखा जाएगा तो नेट एनपीएस सिर्फ 1.2% है। दूसरा क्या है कि हमारे पास जो कैशलेस कलेक्शन की जो सुविधा है, सो हमने अपने वेबसाइट के थ्रू में हम कैशलेस कलेक्शन कर सकते हैं, हम UPI2 के थ्रू कर सकते हैं, हमारा कस्टमर सर्विस ऐप उसके थ्रू कर सकते हैं, एंड दैट इज देयर नाउ फुली फंक्शनल। Okay. So, जितने टूल्स हैं कैशलेस कलेक्शन करने के वो हमारे पास अब सारे तैयार हैं, और उससे कैशलेस कलेक्शन हो भी रही है, अभी बहुत कम है क्योंकि वो है, बट हमारे पास एक ऑल्टरनेटिव मींस है। सपोजिंग अगर थर्ड वेव आती है, जो कि मेरे को लगता है कि नहीं आएगी, गोइंग बाय द इंडिकेशंस एंड द वैक्सीनेशन व्हिच आर हैपनिंग, बट व्हाट आई फील इज कि हमारे पास सारे टूल किट्स रेडी हैं, दैट इफ अ कस्टमर वॉन्ट्स टू मेक अ पेमेंट विदाउट फिजिकली मीटिंग आवर बॉय, वो आराम से पेमेंट कर सकता है। सो दैट इज अ वेरी बिग थिंग विच हैज हैपेंड इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, कि हमने इसको देखते हुए वी हैव नाउ गॉट ऑल द टूल्स रेडी
जिसके कारण आपको फिजिकल कॉन्टैक्ट में आपको जो कलेक्शन देनी है वो नहीं है, दैट इज रेडी विद अस एंड दैट कैन बी डन इफ देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ थर्ड वेव. राइट, सो जैसे कि आपने बताया कि आपका इकोसिस्टम पूरा रेडी है कलेक्शन एफिशिएंसी पर को डील करने के लिए इन केस ऑफ एनी थर्ड वेव, तो आपकी ये स्ट्रेटेजी अभी आने वाले समय में क्या रहेगी टू इम्प्रूव द कलेक्शन एफिशिएंसी फ्रॉम हियर ऑन, एंड व्हाट इज योर एयूएम ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस फॉर FY22? सो FY22 क्योंकि एक क्वार्टर हमारा प्रैक्टिकली हिट हुआ है, सो वी आर फीलिंग कि इस साल में वी विल ग्रो बाय अबाउट 8-10%, दैट इज व्हाट वी आर रियली लुकिंग एट. वी डू नॉट वॉन्ट टू ओवर स्ट्रेच आवरसेल्व्स एज वेल एज यू नो एक क्वार्टर का लॉस होने का मतलब है आपके 90 दिन तो चले गए. सो वी आर फीलिंग दैट वी विल बी एबल टू अचीव अबाउट 8-10%, एंड जिस तरीके से डिसबर्समेंट उठ रही है आई थिंक वी विल बी एबल टू अचीव दैट. ऑन कलेक्शन एफिशियंसी एज वेल एज यू नो ट्राइंग टू लुक एट यू नो we put additional people you know for improving our collection efficiency, and that is the reason why collection efficiency dheere dheere uth rahi hai. So wo jo extra humne staff lagaya hai field mein, I think they are doing a wonderful job jiske karan hamari collection efficiency badh rahi hai. So ye dono cheeze jo hum measures le rahe hain, I think you know we'll be able to pull through you know is saal ka jitna bhi AUM ki growth hai as well as collection efficiency to reach the 98-99% levels. सर आपका बिजनेस और ओवरऑल इंडस्ट्री पर क्या आउटलुक रहेगा आने वाले समय के लिए? सी देखिए माइक्रो फाइनेंस एक बहुत बड़ी चेंज के थ्रू जा रहा है बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक एंड द अर्लियर प्रॉब्लम्स ऑफ डीमोनेटाइजेशन ऑल दैट, सो आई एम नॉट करेक्ट यू नो प्रॉब्ली एलाबोरेटिंग उसके बारे में ज्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, बट जो सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है दैट द कनेक्ट विद द कस्टमर्स एज वेल एज मैंने जैसे बोला कि टेक्नोलॉजी दी पुटिंग इन एक्स्ट्रा रिसोर्सेज टू लुक एट डिफरेंट पॉकेट्स ऑफ रीपेमेंट, वो अब एक एसेंशियल नॉर्म हो गया जो पहले शायद माइक्रोफाइनेंस जब वो 99% की कलेक्शन एफिशिएंसी होती थी तो तब नहीं था. तो भी हमारे जो टूल्स हैं टेक्नोलॉजी के जिसके कारण आप कैशलेस डिसबर्समेंट कर सकते हैं, कैशलेस कलेक्शन कर सकते हैं, आप एक्स्ट्रा कैपिटल ह्यूमन रिसोर्सेज लगा सकते हैं, आप लोगों को ज्यादा लगा सकते हैं टू लुक एट वेरियस यू नो पावर बकेट्स और जो DPT की बकेट्स है, आई थिंक ये सब चीजें अब नई आ गई है जिसके कारण माइक्रो फाइनेंस का जो पुराना वाला तरीका था आई थिंक दैट हैज गॉन थ्रू अ सिग्निफिकेंट चेंज. राइट, लाइक इन ऑल बिजनेसेस लाइक यू नो डिजिटलाइजेशन इज द वे फॉरवर्ड. एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, सो डिजिटलाइजेशन इज द अल्टीमेट थिंग व्हिच विल गोइंग टू वर्क for whatever you know these kind of you know crises happen at any point of time. Right. So thank you so much Mr. Singh for taking the time out. Pleasure. And briefing us about the company and your future growth strategies. We wish you all the luck. Thank you so much. Pleasure.